Hello everyone, hope you all are well and happy at your home. In my previous video, I have discussed about the program learning, and right now I will discuss about CAI, means computer assisted instructions. The short form of computer assisted instruction is CAI. तो चलिए आज हम लोग जो है वो इसके बारे में जो है वो टोटली डिस्कस करेंगे. तो कि CAI ये है क्या, वॉट डू यू मीन बाई CAI. तो कंप्यूटर का जो रोल है आज के जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, और अभी जो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, और फिर जो बहुत सारे पूरा वर्ल्ड जो है वो आज कंप्यूटर की सहायता से है, वो मदद ले रहा है, एक दूसरे से कनेक्टेड है. सो यू कैन फील दैट हाउ कंप्यूटर इज वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ. यू कैन सी द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन दिस लॉकडाउन सिचुएशन. It is the first and most important gift of science and technology. In the field of education, it is very helpful for educators and student also. तो ये कंप्यूटर जो है वो अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल तो अदा कर ही रहा है, लेकिन इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को यदि हम देखें जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम लर्निंग है और CAI जो है, ये जो है वो एजुकेशन के वर्ल्ड में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. तो इसको समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि ये सबसे पहले जो इसका इन्वेंशन कहाँ हुआ और ये कैसे जो है वो उपयोगी है छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए. द अर्लिएस्ट कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन वॉज इन्वेंटेड इन 1925 पेरसी मल्टीपल चॉइस मशीन प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी एट ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी. Much influenced by theories of behaviorism in 1954 at the University of Pittsburgh, psychologist B.F. Skinner. और ये प्रोग्राम लर्निंग से ही जो है वो इंस्पायर हुआ है, और यह जो है वो बिहेवियरिज्म, जो कि साइकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कूल माना गया है बिहेवियरिज्म, और उससे यह जो है वो संपादित हुआ है, उसी ही इसका निर्माण हुआ है. इसके डेफिनेशन को यदि हम देखें CAI के डेफिनेशन को, तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन CAI इज एन इंस्ट्रक्शनल टेक्निक वेयर बाय अ कंप्यूटर इज यूज टू प्रेजेंट द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड मॉनिटर द लर्निंग दैट टेक प्लेस. अ सेल्फ लर्निंग टेक्निक यूजुअली ऑफलाइन ऑनलाइन इन्वॉल्विंग द इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स विद प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मटेरियल. और ये जो कंप्यूटर असिस्टेड जो लर्निंग होता है, ये जो है वो टोटली जो है वो प्रोग्राम लर्निंग का ही एक रूप है, और इसके ये जो है वो ये कंप्यूटर के द्वारा जो है वो असिस्ट किया जाता है. कंप्यूटर के द्वारा जो है ये जो अधिगम सामग्री जो होती है, जो लर्निंग मटेरियल होते हैं, उसको जो है वो क्रमबद्ध तरीके से जो है वो उसको सजाया जाता है, और इंस्ट्रक्शन मटेरियल जो कि कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है, तो इसमें जो है इसको ही जो है वो हम लोग CAI या फिर हम इसको हम लोग कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इसको हम लोग कहते हैं. इसमें जो है वो कंप्यूटर स्टूडेंट कंप्यूटर इंटरेक्शंस के माध्यम से जो है वो स्टूडेंट जो है वो इसको सीखता है. फर्स्ट स्टेज जो है वो बहुत ही इजी होता है, जहां पर प्रॉब्लम्स को या सीखे जाने वाले पार्ट को एक निश्चित क्रम में रखकर छात्र एवं कंप्यूटर के बीच अंतःक्रिया की जाती है, और इस तरह के अंतःक्रिया का प्रयोग अक्सर जो है वो क्लासरूम टीचिंग और सप्लीमेंट्री के रूप में किया जाता है. इस तरह के कंप्यूटर और छात्र में अंतःक्रिया द्वारा प्रतिदिन कम से कम 2000 छात्रों की शिक्षण संबंधी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है. तो ये जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका रोल जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो देखा गया है. और ये जो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन जो है वो एक दूसरे स्तर के ऐसे छात्र कंप्यूटर अंतःक्रिया होती है जिसमें जो डायलॉग्स प्रोग्राम्स होते हैं वो सम्मिलित होता है. इस स्तर पर छात्र कंप्यूटर को विभिन्न तरह से प्रश्न शिक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण नियंत्रण रखते हुए जो है वो पूछते हैं. इसमें जो विभिन्न तरह के क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट जो है वो पूछ सकता है. और CAI के तीसरे स्तर पर ऐसी कंप्यूटर छात्र कंप्यूटर की अंतःक्रिया की जाती है जो दोनों स्तर के बीच का होता है. इसमें जो है वो एक तरह का शिक्षकीय प्रोग्राम संपन्न होता है, जिसमें प्रत्येक छात्र अपने निष्पादन रिकॉर्ड के आधार पर एक अलग अलग स्वतंत्र विचार एवं समस्या से संभावित संसाधनों का आदान प्रदान कंप्यूटर के साथ जो है वो करते हैं. तो ये जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो
कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन जो है वो भूमिका अदा करता है। और CAI के द्वारा जो है वो इंस्ट्रक्शन मटेरियल को ही छात्रों को नहीं दिया जाता, बल्कि इसके साथ साथ उसका इवेल्युएशन करने सकने में भी यह सफल होता है। और यह जो है वो छात्रों के द्वारा जो सामग्री को कितने अच्छे ढंग से सीखा है इसको जो है वो बता सकता है कंप्यूटर जो है वो। तो इस तरह से जो है वो स्टूडेंट की उपलब्धि की उसके अचीवमेंट की जांच करके जो उसको इवेल्युएशन जो है बड़े ही बेहतर तरीके से यह जो है वो कर पाता है। तो इसको और विस्तार से समझने के लिए इसको जो है कुछ बिंदुओं में हम और स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इज नथिंग बट गिविंग इंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। इसमें जो कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो देता है, कंप्यूटर के माध्यम से जो है इंस्ट्रक्शन जो है वो दिया जाता है। इन CAI द एक्टिविटी ऑफ लर्नर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। और इसमें जो है वो लर्नर की एक्टिविटी जो है वो सबसे मुख्य भूमिका जो है वो इसमें होती है। CAI इज यूज टू इम्पार्ट फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन एट ऑल लेवल एंड ऑल्सो इन ऑल एरियाज। ये इसके द्वारा हम औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा दोनों तरह की शिक्षा का जो है हम लोग आदान प्रदान कर सकते हैं सभी तरह के एरिया के लिए। और कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन डेवलप्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। यह जो है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पे ही आधारित है, क्योंकि जो हम लोग जो प्रोग्राम लर्निंग पहले वीडियो में हम लोगों ने समझा है यह उसी के प्रिंसिपल पर ही आधारित है, उससे वह डिफरेंट नहीं है, उसी के प्रिंसिपल पर ही आधारित है। इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन। और ये जो है वो एक तरह से व्यक्तिक इंट्रैक्शन पे जो है वो आधारित होता है। और CAI यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट ग्राफिक्स साउंड वीडियो इन इन्हेंसिंग द लर्निंग प्रोसेस। इस तरह से जो है वो ये बहुत तरह के जो है वो कॉम्बिनेशंस होता है, जिसमें कि टेक्स्ट होते हैं, कुछ ग्राफिक्स होते हैं, साउंड होते हैं, वीडियो होते हैं, ताकि लर्निंग प्रोसेस को हम इन्हेंस कर सकें, उसको जो है वो और बेहतर तरीके से हम उसको बढ़ा सकें, उसमें और इम्प्रूवमेंट ला सकें सीखने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो। इसमें सिखाने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि मेथड्स ऑफ डिलीवरी में कौन कौन सा इसमें आ जाता है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस है, ट्यूटोरियल है, साइमल्टेनियस एक्टिविटीज़ है, गेम्स है, डिस्कवरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो ये जो है वो किस माध्यम से हम जो है वो डिलीवर कर रहे हैं, कैसे सिखाएंगे हम, तो इसमें बहुत सारे विधियाँ हैं, उसके बहुत सारे मेथड्स हैं। तो ये कुछ विधियों के द्वारा जो है वो इसे जो है वो हम सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे ड्रिल एंड प्रैक्टिस क्या है। अपॉर्चुनिटी फॉर द लर्नर टू प्रैक्टिस मटेरियल एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स। इसमें जो है वो अनेकों बार जो है वो उसमें जो है वो मटेरियल को प्रस्तुत किया जाता है, ताकि लर्नर को जो है वो प्रैक्टिस हो जाए और वो अनलिमिटेड नंबर्स में जो है उसको वह जो है वो प्रैक्टिस करते करते वह जो है उसमें महारत हासिल कर ले। मटेरियल बींग प्रैक्टिस्ड ऑफन प्रेजेंटेड बिफोर द ट्रेनिंग सेशन। और ट्रेनिंग सेशन के दौरान जो है इसको प्रेजेंट किया जाता है मटेरियल को। बेस्ट मेथड फॉर मटेरियल दैट रिक्वायर्स रिपीटेड प्रैक्टिस टू मास्टर। इस तरह से जो है उसमें जो है वो एक महारत हासिल जो है वो व्यक्ति जो है वो कर लेता है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग ट्यूटोरियल पे। कॉम्बाइंस प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल विथ ड्रिल एंड प्रैक्टिस गेम्स और अ साइमल्टेनियस टू एम्फेसाइज मटेरियल एंड असिस्ट इन लर्निंग। और इस तरह से जो है वो ट्यूटोरियल के माध्यम से जो है वो मटेरियल जो है वो प्रैक्टिस और गेम्स को जो है वो जो लर्न करने वाले विद्यार्थी हैं उनको जो है वो दिया जाता है। और यह जो है वो CAI का सबसे मोस्ट पॉपुलर जो है वो मेथड माना गया है। नेक्स्ट जो है वो हमारा वो है साइमल्टेनियस। प्रोवाइड्स अ रियल लाइफ सिनेरियो विद द मटेरियल टू बी लर्न बीइंग अप्लाइड इट वुड इन द रियल वर्ल्ड। इसके द्वारा जो है वो रियल लाइफ सिनेरियो के द्वारा की जो है वो पहचान कराई जाती है, जिसमें कि वह जो वास्तविक दुनिया होता है उसके संबंध में बहुत सारी चीज़ें जो है वो अध्ययन कर पाता है, समझ पाता है। साइमल्टेनियस प्रोवाइड्स सेफ्टी लर्निंग ऑफ इन्वायरमेंट, लर्निंग इन्वायरमेंट। ये जो है वो क्या करता है, एक सुरक्षित लर्निंग इन्वायरमेंट के द्वारा जो है यह प्रोवाइड कराया जाता है। उसमें किसी भी तरह की कोई मतलब उसमें नुकसान देने वाली कोई चीज़ जो है वो नहीं होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड के रूप में माना गया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रेजेंट्स मटेरियल इन सच ए वे एज टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग रैशनल
प्रॉब्लम सॉल्विंग के द्वारा जो है वो मटेरियल जो है वो विभिन्न तरह के मटेरियल को दिया जाता है, जिसके द्वारा जो है वो प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम है उसको वो बेहतर तरीके से सॉल्व कर सके, और मेनली यूज्ड इन चिल्ड्रन टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो समस्या को दे दिया जाता है और उसमें बच्चों को जो है ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट मेथड है इसमें, जिसमें कि बच्चे जो है वो अपने समस्याओं को समझ के उसको सॉल्व करने की जो स्किल है, कला जो होती है, उसको बच्चे को जो है वो इम्प्रूव कराने का जो प्रक्रिया होती है, इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के माध्यम से जो है वो किया जाता है। और इसके बहुत सारे टूल फॉर डिज़ाइनिंग CI, इसके बहुत सारे टूल्स हैं। कैसे डिज़ाइन करते हैं इसको हम लोग, तो टेक्स्ट के माध्यम से कर सकते हैं, ऑडियो के माध्यम से कर सकते हैं, श्रवण देख के जो दिखाई पड़ने वाली चीज़ होती है उसके द्वारा कर सकते हैं, वीडियो के द्वारा कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के द्वारा कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स हम उसमें रख सकते हैं, इमीडिएट फीडबैक भी उसमें देने का जो है उसमें सुविधा होती है, एक्सरसाइजेस के माध्यम से कर सकते हैं, टेस्ट चैट सेशन के माध्यम से, वेबकैम्स के माध्यम से हम इसे जो है वो डिज़ाइन जो है वो किया जाता है। तो इस तरह से जो है इसके बहुत सारे जो है वो टूल्स हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि CAI के बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं। ये जो है वो एक एक इंटरेक्शन इसमें होता है, एक साथ बहुत सारे लोगों का इंटरेक्शन इसमें नहीं हो पाता है। इसमें बेनिफिट्स ये है कि एक बार में एक ही व्यक्ति का इंटरेक्शन जो है वो कंप्यूटर के साथ होता है। फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट विथ लर्निंग ऑप्शंस, इमीडिएट फीडबैक, सेल्फ पेसिंग, प्राइवेसी फॉर शाई स्लो लर्नर, लर्नर हैव बीन फाउंड टू लर्न मोर एंड मोर रैपिडली, मल्टीमीडिया प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स टू प्रेजेंट डिफिकल्ट मटेरियल्स। तो ये इसका बेनिफिट यही है कि इसमें जो है वो जो स्लो लर्नर होते हैं या फिर उनके जो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो लोगों के सामने अपने व्यक्त नहीं कर पाते हैं, बहुत शर्मीले स्वभाव के होते हैं, तो उसके द्वारा ये बहुत अच्छे से लर्न कर पाएगा बच्चा या स्टूडेंट जो है वो अपने गति के हिसाब से वो सीख पाता है। और इसमें फीडबैक जो इमीडिएट मिलता है तो इसके द्वारा भी जो है वो सीखने की गति जो है बड़ी अच्छी बनी रहती है। और इसमें जो है वो बहुत सारे फॉर्मेट्स के द्वारा जो है वो डिफ़िकल्ट मटेरियल को प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे समझ बहुत जल्दी जो है वो व्यक्ति उस चीज़ को समझ में उसे आ जाता है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे सभी चीज़ों का कुछ फ़ायदा होता है तो कुछ चीज़ों का नुकसान भी होता है, तो उसको बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसमें इसका डिसएडवांटेजेस है क्या है, लर्नर में फील ओवरवेलम एट द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल प्रेजेंटेड, ओवर यूज ऑफ मल्टी मीडिया कैन डिट्रैक्ट फ्रॉम इंटेंटेड ऑब्जेक्टिव्स, इनएबिलिटी टू आस्क अ पर्सन क्वेश्चन व्हेन मटेरियल इज नॉट अंडरस्टूड, इक्विपमेंट कैन मेल फंक्शंस। तो ये सब इसके चीज़ें हैं जो कि बहुत बार ऐसी होती है कि बच्चे या स्टूडेंट जो है वो समझ नहीं पाता है, तो वहाँ जो है वो किसी से पूछ नहीं सकता है, और फिर इक्विपमेंट अगर सही तरीके से नहीं काम कर रहा है तो वहाँ पर जो है वो परेशानी जो है वो उत्पन्न हो सकती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो एक समस्या उत्पन्न करने का एक ये हो सकता है। और लर्नर जो है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा जो है ओवरवेलम फील करता है जब मटेरियल प्रेजेंट होता है तो, और ये सारे चीज़ें जो है वो उसको CAI को जो है वो इसके डिमेरिट्स के अंतर्गत जो है वो लाती हैं। और लर्नर जो है वो क्या क्या बेनिफिट होता है, वो इंडिपेंडेंट होकर सीख पाता है, सेल्फ मोटिवेटेड हो पाता है, और जो फीडबैक मिलता है उसको वो इंजॉय करता है। तो ये जो है वो CAI की एक खासियत है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो दूसरे टॉपिक के साथ उपस्थित होंगी, और तब तक आप लोग इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।